जिस इंसान का नाम जेड से आता है तो इल्मे जफर में उसके अंदर चीर के मंजिल हासिल करने की सिफत मौजूद होती है। लेकिन अगर ये अपनी इस सिफत को काबू पा लें कि चीजों को जाहिर करने से खुद को रोकें, तो इनकी कामयाबी हमेशा इनकी नजरों के सामने या कदमों तले रहेगी, क्योंकि इनके वजूद में ज़ का साउंड नाम में शामिल होने की वजह से गुस्सा, जज्बात और फीलिंग्स इन पे हमेशा हावी रहेंगी। तभी ये अपने फैसलों को जज्बात और एहसासात से मुबर्रा रखें। और इनकी सबसे बड़ी खामी एक ये ठहरेगी कि ये हर वो काम आज ही में करना चाहेंगे जिसके लिए वक्त दरकार है। याद रहे, अगर ये कुछ चीजें जल्दबाजी से मोड़ दें और अपनी जबान को गुस्से से पाक रखें, तो अल्लाह के करम से इनकी मंजिल इनसे कभी जुदा नहीं होगी। और अगर हर इतवार के दिन ये सफेद चीज का सदका निकालें, तो इनके लिए मुबारक साबित होगा और इनका इस्मे आजम या नूर हो या अली या मोइज़ हो या रज़ाक 27 मरतबा है। यानी दिन के आगाज में 27 मरतबा इस्मे आजम को पढ़ के अल्लाह का नाम लेके दिन का आगाज करेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी इनके साथ होगी। इनकी नजरों के पसे पुश्त इनकी सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होगी। तभी ये अपना इस्मे आजम पढ़ के जिस भी इंसान को देखेंगे, तो उनका असल रूप इनके सामने वाजे होने लगेगा, या तो वो सामने वाला बंदा अपनी नजरें चुराने लगेगा, क्योंकि इनकी ताकत इनकी नजरों में है। अगर आप अपने नाम और जायचे के हिसाब से अपना लकी पत्थर हासिल करना चाहते हैं, तो मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है, तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है, वहाँ से भी अपने लकी पत्थर हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे।